हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। एस एकेडमी में आपका स्वागत है। बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस के लिए हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया हुआ है और लगभग सारे टॉपिक्स को यहाँ पे चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पावर पॉइंट का वीडियो 6 देखेंगे और आगे के क्वेश्चन करेंगे। और जो भी क्वेश्चन होगा उसका PDF टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और पहले के वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 79 नंबर है। टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक इन ए स्लाइड, अगर किसी भी हाइपरलिंक को एक स्लाइड में इंसर्ट करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऑप्शन पे अगर आप ध्यान दें तो आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। पहला ऑप्शन है टू चूज इंसर्ट और हाइपरलिंक, प्रेस कंट्रोल प्लस के, हाइपरलिंक्स कैन नॉट बी इंसर्टेड इन स्लाइड। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होना चाहिए ए या बी या दोनों। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पे जो हाइपरलिंक इंसर्ट होता है वो हमें एक चूज इंसर्ट पे से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस के से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, यानी बोथ ए एंड बी। आगे क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि जैसा कि आपको यहाँ पे बहुत सारे स्लाइड दिख रहे हैं और ये एक स्लाइड है, और इस स्लाइड पे अगर आप चाहते हैं कि हाइपर लिंक इंसर्ट हो, कोई लिंक देना चाहते हैं, सपोज डेट आप फेसबुक व्हाट्सअप का ही या फिर किसी टेलीग्राम का लिंक देना चाहते हैं, तो उसके लिए लिंक को कॉपी करके रखना है और उसके बाद से इंसर्ट बटन पे जाना है और वहाँ से आप हाइपर लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बॉक्स के बारे में दिया गया स्टेटमेंट है और कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है या गलत है आपको बताना है। और पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि लिस्ट बॉक्स और जो टेक्स्ट बॉक्स होता है आर अदर देन दैट इन लिस्ट बॉक्स द बुलेट्स आर इनेबल्ड आर डिफरेंट। लिस्ट बॉक्स आर यूज टू प्रेजेंट लिस्ट एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड विद टेक्स्ट बॉक्स, बोथ ऑफ द एबव और नॉन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स होता है वो एक दूसरे पे जो लिस्ट होता है वो बॉक्स बुलेट्स आर इनेबल्स, यानी जो भी लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स होता है आर सम अदर देन दैट इन द बॉक्स द बुलेट आर इनेबल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, अगर सपोज यहाँ पे आपको कुछ लिखना है तो इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना होता है और वहाँ उसके बाद से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है इसके बारे में बताना है और स्टेटमेंट पढ़कर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम द ड्राइंग टूल बार इन पावर पॉइंट। दूसरा है यू कैन नॉट इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम ड्राइंग टूल बार इन पावर पॉइंट। तीसरा स्टेटमेंट है टेक्स्ट बॉक्स आर प्रोवाइड्स व्हेन यू चूज ए लेआउट एंड कैन नॉट बी इंसर्टेड आफ्टर वर्ड्स। या चौथा स्टेटमेंट है नॉन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी यू कैन नॉट यू कैन इंसर्ट, यानी हम इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स को फ्रॉम ड्राइंग टूल बार इन पावर पॉइंट। अगर कोई भी स्लाइड है और उसमें आपको इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम ड्राइंग टूल बार, तो ड्राइंग टूल बार से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ड्राइंग टूल बार्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ड्राइंग टूल बार्स आपको आएंगे नीचे यहाँ पे, और जिस पे आप सिलेक्ट करेंगे वो स्लाइड पे इंसर्ट हो जाएगा और उसके बाद से आप टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यू कैन डिलीट ए टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर कोई भी टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करना है किसी भी स्लाइड से तो आप क्या कर सकते हैं, कब डिलीट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। और जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िए तब आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बोथ आर डिलीटेड।
जब भी आपको टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना होता है स्लाइड से, तो हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स होता है और जो टेक्स्ट होता है वो दोनों डिलीट हो जाता है। तो कोई भी स्लाइड में रहता है तो वहाँ से आप डिलीट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे इंसर्ट बटन होता है और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स होता है। तो टेक्स्ट बॉक्स सपोज ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, तो अगर आप इस पर क्लिक करके डिलीट बटन क्लिक करेंगे तो डिलीट के साथ ये टेक्स्ट बॉक्स और इसमें का जो टेक्स्ट होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर हम लोगों ने देख लिया है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। जो पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है उसमें से कौन सा एक फॉन्ट है, ये चारों फॉन्ट में से कौन सा एक फॉन्ट है जो कि डायलॉग बॉक्स में मौजूद नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो जो होता है ये मौजूद नहीं होता है, और बाकी आपके अंडरलाइन, शेडो और इम्बॉस ये तीनों मौजूद होते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट दिए गए हैं। अगर आप इन सारे फॉन्ट को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो एक एक करके आपको तीनों फॉन्ट मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारा स्ट्राइक थ्रो था वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए राइट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन डी। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर वीडियोज यहाँ पे मिलता रहे। बिहार स्टेट और बीपीएससी जो भी बिहार में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसके वीडियो हम लोग प्रोवाइड करते हैं और स्टडी मटेरियल भी देते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वाट हैपन्स इफ़ यू एडिटेड एन इमेज इंसर्टेड इन पावर पॉइंट। अगर किसी भी पावर पॉइंट में अगर आप इफ़ यू एडिटेड एन इमेज, तो जो भी आप इमेज इंसर्ट किए हैं अगर उसको आप एडिट करते हैं तो उसके बाद से क्या होगा। ये ऑप्शन में दिया गया है कि जो ओरिजिनल फाइल है डेट वॉज इंसर्टेड इज नॉट चेंज, ओरिजिनल फाइल इंसर्टेड इज चेंज, या ओरिजिनल फाइल इज चेंज वेन यू सेव योर प्रेजेंटेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जो भी आप इमेज इंसर्ट करते हैं पावर पॉइंट में उससे क्या होगा कि आप अगर एडिट करते हैं तो जो ओरिजिनल फाइल जो इंसर्ट करते हैं वो चेंज नहीं होता है और उसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू सेलेक्ट इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। अगर आप इंसर्ट बटन पे जाते हैं और वहाँ से इंसर्ट के लिए पिक्चर पे क्लिक करते हैं, तो पिक्चर पे क्लिक करने से फाइल में जाते हैं तो उसके बाद से क्या होता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पावर पॉइंट में जब इंसर्ट पे पिक्चर क्लिक करते हैं तो वहाँ से आप जो पिक्चर सेलेक्ट करते हैं वो डायरेक्टली हमारे स्लाइड में इंसर्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी यू कैन इंसर्ट पिक्चर्स ओनली। अगला क्वेश्चन है, द इफेक्ट अप्लाइड टू डिस्प्ले व्हेन स्लाइड्स चेंजेज इन स्लाइड शो व्यू। तो कौन सा इफेक्ट हमारा दिखाई देता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन का जो इफेक्ट होता है वो दिखाई देता है जब हम एक स्लाइड चेंजेज करते हैं स्लाइड शो व्यू में। तो स्लाइड शो व्यू में क्या होता है कि बहुत सारे स्लाइड यहाँ पे मिलाकर एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और बीच बीच में एक ट्रांजिशन रहता है। तो ट्रांजिशन लगाने से क्या होता है कि जो स्लाइड का डिस्प्ले होता है वो एक डिफरेंट लुक देता है और आपका प्रेजेंटेशन इससे अच्छा दिखता है। अगला क्वेश्चन है, टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर आपको कोई भी एक प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो स्टार्ट करना है, प्रेजेंटेशन सपोज आप बनाए हैं और उसका स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो किस की से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी, और यहाँ पे ए में क्या दिया है कि हीट फाइव की, जो फाइव की होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं तो उससे स्टार्ट हो जाएगा, या फिर फ्रॉम स्लाइड शो मीनू में जाकर आप व्यू शो ऑप्शन में जाकर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू ए पावर पॉइंट शो। पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड करते हैं।
तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी जो हमारा फाइल फॉर्मेट होता है वो डॉट जेपीजी हो सकता है, डॉट जीआईएफ हो सकता है या फिर डॉट वेब हो सकता है। तो अगर आपने कभी एक पावर पॉइंट शो बनाया होगा तो वहाँ पे बहुत सारे पिक्चर ऐड किया जाता है या फिर आप टेक्स्ट भी ऐड करते हैं स्लाइड में, तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्मेट जो दिया गया है इसमें तीनों फॉर्मेट ये वैलिड है, तो इसलिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू काइंड्स ऑफ साउंड इफेक्ट्स फाइल्स डेट कैन बी एडेड टू प्रेजेंटेशन आर। जो एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में दो तरह के साउंड इफेक्ट दिए जाते हैं और वो दोनों तरह के साउंड इफेक्ट का किस प्रकार यहाँ पे फॉर्मेट है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। और जो आपके ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी डॉट वेव फाइल्स या फिर डॉट माइट फाइल्स। ये दो प्रकार के साउंड फाइल्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में और इनको आप ऐड कर सकते हैं अगर आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और इसका ऑप्शन जो है ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन बिहार स्टेट में पूछा जा सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। From which menu you can access picture, text box or chart? अगर आप picture, text box या chart को access करना चाहते हैं तो किस menu का उपयोग करेंगे, तो इस question का सही answer होगा आपका option C, यानी insert। insert button से आप press करेंगे तो वहाँ से आप picture, text box या chart को आप इंसर्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी इंसर्ट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ यू वांट टू इंसर्ट सम स्लाइड्स फ्रॉम योर अदर प्रेजेंटेशन इनटू करंट वन चूज। अगर आप किसी भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और वहाँ पे आप चाहते हैं कि दूसरे प्रेजेंटेशन से आप कुछ स्लाइड को इंसर्ट करें तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, आप डायरेक्टली उस प्रेजेंटेशन को जो भी स्लाइड है उस स्लाइड का प्रेजेंटेशन में जो भी स्लाइड है तो वहाँ स्लाइड को कॉपी करेंगे और डायरेक्टली आप नए वाले जो भी प्रेजेंटेशन है उसके स्लाइड में आप ऐड कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है, फ्रॉम इंसर्ट मेनू चूज स्लाइड फ्रॉम फाइल्स, तो ऐसे करके आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर इज बेस्ट प्रेजेंटेड एज। जो भी मटेरियल जिसमें टेक्स्ट और नंबर रहता है उसको बेस्ट प्रेजेंटेड किया जाता है किस रूप में, टेबल स्लाइड के रूप में या बुलेट स्लाइड या टाइटल स्लाइड या फिर तीनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट कीजिए और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स देख पाए इस वीडियो को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी टेबल स्लाइड। जो मटेरियल जिसमें टेक्स्ट और नंबर रहता है उसको हम लोग टेबल स्लाइड के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मोशन पाथ। मोशन पाथ क्या है, मोशन पाथ का डिफिनेशन पूछा गया है और इजी क्वेश्चन है, मोशन पाथ का क्या डिफिनेशन होता है आपको कमेंट करके बताना है। और तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि जो मोशन पाथ होता है एक मेथड होता है जिसमें जो भी आइटम रहता है स्लाइड में वो मूव करता है, तो इसलिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ए मेथड ऑफ मूविंग आइटम्स ऑन ए स्लाइड। यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर। स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर क्या कहलाता है, तो स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर क्या होता है, एक प्रकार का स्लाइड मास्टर और टाइटल जो होता है एक स्पेसिफिक डिजाइन टेम्पलेट है। जो डिजाइन टेम्पलेट है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये स्लाइड है, तो इसका जो भी डिजाइन टेम्पलेट है वो एक खास फीचर होता है और यही इसमें पूछा गया है कि स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर क्या होता है, तो ये एक प्रकार का स्पेसिफिक डिजाइन टेम्पलेट है, यानी ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग शुड यू यूज इफ़ यू वांट ऑल स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन टू हैव सेम लुक। अगर आप चाहते हैं कि जो भी स्लाइड आपने इंसर्ट किया है प्रेजेंटेशन में सभी का लुक एक ही तरह हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे,
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी एक प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे और उससे क्या होगा कि जो भी स्लाइड्स आपने डाले हैं प्रेजेंटेशन में, उन सारे स्लाइड्स का डिजाइन चेंज हो जाएगा और एक ही तरह का रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनिमेशन व्हाट इज ट्रिगर। अगर आपने स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाया होगा तो उसमें देखा होगा कि एनिमेशन लगाया जाता है, और एनिमेशन के टर्म में यहाँ पे पूछा गया है कि ट्रिगर क्या होता है। तो ट्रिगर क्या होता है इसके लिए आपको बताना है, और आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, एक ट्रिगर जो होता है एक प्रकार का आइटम होता है स्लाइड में जो काम करता है जब हम लोग क्लिक करते हैं। जब हम लोग क्लिक करते हैं तब ये काम करना शुरू करता है और एनिमेशन इफेक्ट दिखाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव ए पावर पॉइंट सो यू क्रिएटेड एंड वांट टू सेंड यूजिंग ईमेल टू अनदर टीचर, यू कैन ऐड द शो टू योर ईमेल मैसेज एज। क्या किस तरह से आप उस मैसेज को भेज सकते हैं, अगर आपने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया है और चाहते हैं कि उसका आप दूसरे टीचर को भेजें तो उसके लिए क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, आप जो भी मैसेज भेजना चाहते हैं उसको आप एक अटैचमेंट की तरह भेज सकते हैं। जैसे आप ईमेल खोलेंगे तो वहाँ पे आपको सबसे टॉप राइट में दिखाई देता है ऑप्शन, वहाँ पे आप अटैचमेंट में ऑप्शन जाकर फाइल सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे आप फाइल भेज सकते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, इन ऑर्डर टू एडिट अ चार्ट यू कैन, जैसे कि यहाँ पे चार्ट को एडिट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो जो ऑप्शन है, ट्रिपल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक एंड ड्रैग द चार्ट ऑब्जेक्ट, डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट, या फिर क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट, और उससे क्या होगा कि जो भी आपका चार्ट ऑब्जेक्ट है वो एडिट होना शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टू एग्जिट द पावर पॉइंट, पावर पॉइंट को ख़त्म करने के लिए आप कौन से बटन का क्लिक करते हैं। तो पावर पॉइंट जैसे आप चला रहे हैं और अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप पावर पॉइंट को एग्जिस्ट करें, तो उसके लिए कौन सा बटन क्लिक करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन की, ऑप्शन सी में क्या है कि डबल क्लिक द एप्लीकेशन कंट्रोल मेनू आइकन। उससे क्या होगा कि जब आप डबल क्लिक करते हैं कंट्रोल मेनू आइकन को तो उससे आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एग्जिस्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, टू प्रीव्यू ए मोशन पाथ इफेक्ट यूजिंग कस्टम एनिमेशन टास्क पेन यू शुड, जैसे कि अगर आप मोशन पाथ इफेक्ट बना रहे हैं और उसको आप देखना चाहते हैं यूजिंग कस्टम एनिमेशन टास्क पेन, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कौन से ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप ये भी ज़रूर बताइए, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो स्टूडेंट्स बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो सारे टॉपिक को इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकें और MCQ क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर सकें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।